दोस्तों पठान रिलीज से पहले शाहरुख खान ने पायरेसी के खिलाफ किया जंग का ऐलान, लोगों को दे डाली साफ साफ चेतावनी। जी हां दोस्तों, दरअसल शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान बहुत ही जल्द बॉक्स ऑफिस में धमाका करने के लिए तैयार है। ये फिल्म 25 जनवरी के दिन सिनेमा घरों में पहुंच रही है। इस फिल्म के साथ करीबन 4 साल के बाद शाहरुख खान अपने फैंस के बीच पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से फैंस के बीच में भी काफी ज्यादा क्रेज और बज बना हुआ है। साथ ही इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी लेडी लक की चाम दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं, जिसके साथ शाहरुख खान ने इससे पहले ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों को सुपरहिट बनाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन टक्कर भी जॉनी ब्रैम के साथ होने वाली है। इस फिल्म के निर्देशक बोर्ड ऑफ फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है। साथ ही इस फिल्म को यशराज बैनर तले बनाया गया है। इतने सारे मिश्रण से सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ये जो है फैंस के बीच में क्रेज होने तो लाजमी ही है। तो दोस्तों इतनी भारी क्रेज के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान को पायरेसी से बचाने के लिए तैयारी कर ली है। फिल्म के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है पायरेसी, जो ऑनलाइन लीक होने की वजह से फिल्म के मेकर्स को काफी करोड़ों का नुकसान होता है, जिसकी वजह से मेकर्स ने अब इस पायरेसी से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए खुद सुपरस्टार शाहरुख खान आगे आए हैं। फिल्म स्टार ने अपने एक धमाकेदार इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस से अपील की कि वो पायरेसी को ना करें। साथ ही सुपरस्टार ने दर्शकों को जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि अगर पायरेसी के खिलाफ कोई सूचना उनको मिलती है तो रिपोर्ट piracy@yashrajfilm.com को ईमेल करके वो सूचित कर सकते हैं कि यहाँ पे इस फिल्म को पायरेसी की जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की स्टार्टअप फिल्म ये जो है मेकर्स खास तौर पर रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज करने वाले हैं। फिल्म के ट्रेड पर अभी से ही ट्रेड पंडितों की निगाहें जमी हुई है, वो देखना ये चाहते हैं कि ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में सुनामी लाने वाली है और तहलका मचाने वाली ये फिल्म। अभी तक फिल्म के एडवांस बुकिंग की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख से ज़्यादा टिकट जो है वो बेचे जा चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। बाकी अब दोस्तों देखना ये है कि ये जब 25 तारीख को ये फिल्म आती है तो इसका बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो कितना हो पाता है, और जितना लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं क्या रियल में ही ये फिल्म उतना कमा पाती है थिएटर के अंदर जाने के बाद। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, गुड बाय।